हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्जुन। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और थोड़ा बीमार भी हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब वीडियो आ चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुपर पावरफुल 500 वाट की यहाँ पर LED लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि एमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो सोलर पैनल पर भी चार्ज होगी और आपके 5 वोल्ट के चार्ज से भी चार्ज होगी। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की है। तो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर PVC शीट का बोर्ड लिया है, ये आप लोकल मार्केट से ले सकते हो। तो मैंने जो बैक वाली साइड है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया है, लेकिन जिसके ऊपर हमने शोल्डरिंग करनी है उसको हमने SDs रखा है। तो यहाँ पर मैं 5mm की वाइट LED लाइट ले रहा हूँ, तो इसके अंदर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इसको 5 वोल्ट की बना रहा हूँ। आप चाहो तो उसको 12 वोल्ट की बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 5 वोल्ट की बना रहा हूँ। तो फटाफट इसको पैरेलल में हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। पॉजिटिव साइड एक साइड रहेगी और नेगेटिव वाली साइड एक साइड रहेगी। तो इसको शोल्डरिंग करने के बाद हम यहाँ पर सभी इंडिकेटर लाइट को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं जो LED लाइट लगाने वाला हूँ वो कम से कम 500 हम यहाँ पर LED लाइट यूज़ करने वाले हैं, तभी जो इसकी ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की होने वाली है। तो फटाफट से इसके अंदर हम सभी इंडिकेटर लाइट को फिट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको शोल्डरिंग भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो LED लाइट है वो रेडी हो चुकी है बनकर। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले कॉपर वायर का यूज़ करके हम इसको पैरेलल में सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 25 गेज की कॉपर वायर ले रहा हूँ, तो आप चाहो तो किसी भी कॉपर वायर का गेज जो कॉपर वायर है वो ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आप पतली वायर का यूज़ यहाँ पर ना करें, क्योंकि इसका जो लोड है वो 4 से लेकर 5 एम्पीयर तक जाने वाला है। तो वो जो आप पतली वायर यूज़ करोगे तो वो हीट होकर ख़राब भी हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी मोटी वायर ही यूज़ करना। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको जो बैंड किया था वहाँ से हम इस सिरे को कट कर लिया है, और अब हम यहाँ पर दो जॉइंट लगाएंगे, ताकि हमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पे ही इसको कनेक्ट करना है, ताकि हम पॉजिटिव साइड सभी एक साथ जोड़ सके और नेगेटिव जो सभी साइड है वो हम एक साथ जोड़ सके, तभी जो हमारी है वो 5 वोल्ट की LED जो बनेगी। और अब इसको दोनों को जॉइंट करने के लिए हमने जो बीच में होल छोड़े थे उसके अंदर भी हम यहाँ पर लाइट का यूज़ करके इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि हमने यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल LED लाइट लगाई थी, और अब इस वाली लाइट को भी हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे, तभी जो हमारी जो लाइट है वो बनकर परफेक्टली रेडी हो पाएगी। दोस्तों, इस लाइट को मैं 5 वोल्ट की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो सोलर पैनल पड़ा था वो कम से कम 8 वोल्ट की आउटपुट दे सकता था, और अगर मैं इसको 12 वोल्ट की बनाता तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल मुझे लगाने के लिए उसके एम्पीयर भी बनाने पड़ते, तो जो सोलर पैनल का साइज था वो भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ता, तो ज़्यादा छोटी नहीं बन सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 5 वोल्ट की बना रहा था। तो अब देखिए दोस्तों, हमने जो दो पार्ट अलग अलग डिवाइड किए हैं ताकि हम दोनों लाइटों को अलग अलग एंगल से इसको जगा सकें जितनी हमें इसकी लाइट की ज़रूरत हो। तो इसका फ्रेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7.5x9 की यहाँ पर PVC शीट ली है, और जिसको मैंने मार्किंग करके साइडों से कट कर लिया है, तो उसका थोड़ा डिज़ाइन भी हम देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच PVC पाइप को यहाँ पर इसके कॉर्नर पर रख के कट कर रहा हूँ। तो जो मैंने सोलर पैनल बताया था वो यही है दोस्तों, हम यहाँ पर 8 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो सप्लाई है इसको हम 5 वोल्ट के बनाने के लिए इसके अंदर हम 7805 का IC भी यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर इसके फ्रेम को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर दो जो स्विच है उसको मार्क करके कटिंग कर लिया है, और सोलर पैनल और हमारी जो लाइट है उसके फ्रेम को मार्किंग करके कटिंग कर लिया है। तो इसकी जो हाइट है यानी जो जिसकी चौड़ाई है वो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 इंच की जो है इसकी चौड़ाई रखी है, और हम फेविक्विक की मदद से इसकी सभी की शीटों को यहाँ पर मार्किंग करके अच्छे से सेट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जो फेविक्विक यूज़ करो वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बना सके। तो ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने दूसरों के चैनल पर तो बहुत प्यार बरसा लिया, अपने भाई के चैनल पर भी थोड़ा प्यार बरसा दो, हमारे चैनल को भी थोड़ा ग्रो कराओ। वहीं 1400 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ है काफ़ी दिनों से, तो थोड़ा प्यार जरूर दिखाना भैया। तो फटाफट से इसके सोलर पैनल को हमने यहाँ पर फ्रेम को कट कर लिया, और इसके फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर इस सोलर पैनल को अच्छे से सेट करेंगे, और साइडों से मैं यहाँ पर PVC शीट को कट करके यहाँ पर लगा रहा हूँ, ताकि ये साइडों से यहाँ पर ना खिसके, और इसके कॉर्नर पे हम LED लाइट का यूज़ करेंगे ताकि इसके कॉर्नर भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आप चाहो किसी भी LED लाइट का, सॉरी 5 वोल्ट का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहो किसी भी ब्रांड का 5 वोल्ट यूज़ कर सकते हो, LED लाइट यूज़ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट से इसके कॉर्नर पर हम यहाँ पर LED लाइट यानी कि फेविटाइट यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि अच्छे से इसके कॉर्नर यहाँ पर सेट हो जाए, और अगर ये गिर भी जाए तो यहाँ पर ये हिलेना, क्योंकि इसके अंदर हम स्क्रू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कांच का बना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर LED लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों स्विच को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, और जो हमारी लाइट है उसकी जो हमारे वाइट वायर निकाली है वो हमारे स्विच के ऊपर जाएंगी, और जो ग्रीन वायर है, सॉरी येलो वायर है, वो हमारी कॉमन वायर है। तो ये हमने नेगेटिव पॉइंट बनाया है, और जो व्हाइट वाली वायर है वो हमने पॉजिटिव बनाया है। तो पॉजिटिव वायर को हम स्विच के ऊपर लगाएंगे, और नेगेटिव वायर को हम डायरेक्टली बैटरी पर लगाएंगे। तो इस शीट को भी हम यहाँ पर फैक्ट्री की मदद से अच्छे से जोड़ देंगे, और इसके ऊपर एक और शीट रखेंगे, ताकि हल्का सा भी इसके अगर वेट पड़ गया तो ये बाहर आ जाएगी, इसलिए ये शीट जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो इसको सपोर्ट करेगी, बाहर निकलने से रोकेगी। तो
क्योंकि इसके अंदर हम वैसे भी स्क्रू नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पर शीट का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम इस सोलर पैनल के अंदर 7805 का IC यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इसका कनेक्शन नहीं आता तो मुझे बता देना, और अगर आता है तो फटाफट से कर देना। तो हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव वायर है हम डायरेक्टली तीसरी लेग से हम यहाँ उठा रहे हैं, और जो ग्राउंड वाली वायर है वो हम बीच वाली वायर से उठा रहे हैं। तो जो 5 वोल्ट का हमारा IC है ये हमें आउटपुट देगा 5 वोल्ट। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं है तो सिर्फ ट्यूब जग रही है, और ये हमें ट्यूब की रोशनी में कम से कम 3 वोल्ट की आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि हमारा सोलर पैनल बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसके अंदर हम एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा इसको ऊपर उठाकर हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो एक शीट और रखने के बाद हम यहाँ पर जो 4056 हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है उसको रखने के बाद हम इसके जैक को यहाँ पर मार्किंग करके फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। इस ड्राइवर टूल को मैंने अपने घर पर बनाया है, अगर नहीं वीडियो देखी है तो फटाफट जाकर मेरे चैनल पर विजिट करना। ज़्यादा वीडियो नहीं है, थोड़ी वीडियो है, आपको थोड़ा सा ढूंढने पे मिल जाएगी। अगर कहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। तो चलिए फटाफट इसकी वायरिंग कर लेते हैं। जो व्हाइट वाली वायर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव वायर है, तो हम यहाँ पर फटाफट इसकी वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, और बैटरी के कनेक्शन भी हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों इस 4056 मॉड्यूल की खासियत यह है कि हम इसके अंदर से आउटपुट भी ले सकते हैं। जो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ वो बैटरी के पॉजिटिव वायर है, और उसके साइडों में आउटपुट लिखा होता है, तो हम यहाँ पर आउटपुट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आउटपुट नहीं लूँगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो आउटपुट की पावर होती है वो कम से कम 1 एम्पीयर की होती है, और जो हमारी लाइट बनने वाली है वो कम से कम 4 एम्पीयर की है। तो वो ये लाइट को इसको नहीं जगा पाएगा, बार बार इसको ऑफ करेगा, तो सेफ्टी मोड में जाकर इसको ऑफ करेगा। इसलिए हम यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो आउटपुट पर नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली बैटरी के साथ ही हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब रह गए हैं सोलर पैनल कनेक्शन। तो सोलर पैनल को हम जो यहाँ पर हमारा जैक लगा होता है चार्जिंग वाला, उसके साइड में पॉइंट बने होते हैं, तो आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को ध्यान में रखकर इसकी वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी सेफ्टी के लिए हम इसके ऊपर पेपर टेप का यूज़ कर रहे हैं, और डबल टेप की हेल्प से इसको हम साइड में इसको चिपका देंगे। और जो हमारी बैटरी है वो कम से कम मैंने यहाँ पर 10,000 mAh की यूज़ की है, तो आप चाहो तो कितनी भी mAh की बैटरी यूज़ कर सकते हो। तो रिकमेंड है कि आप 5 एम्पीयर से ऊपर की ही बैटरी यूज़ करें, फिर चाहे आप इसको पैनल में जोड़कर इसके एम्पीयर बढ़ाएं, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अब इसके हैंडल को हम यहाँ पर मार्किंग करके इसके स्क्रू को हम यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे, और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो चलिए फटाफट इसको पैक करने के बाद हम यहाँ पर इसके सोलर पैनल को भी अच्छे से पैक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके कॉर्नर पर भी इसको मार्किंग करके इसको सेट कर लिया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्शन करके इसको पेंट करके और आपको मैं इसको चेक कराकर दिखाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन भी देंगे, तो यहाँ पर डिज़ाइन देने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक PVC शीट कट कर लिया हूँ, और इसी तरह से हम इसके चारों कोनों को हम यहाँ पर अच्छे से मार्किंग करके सेट कर लेंगे, तो थोड़ा देखने में इसका लुक वाइज बढ़िया लगेगा। अगर मैं और दूसरी बात, इसकी जो सेफ्टी है वो भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जो थोड़ी शीट है वो LED बल्ब से थोड़ा ऊपर की ओर उठ कर हमने यहाँ पर लगाई है। तो शीट के ऊपर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर किया है, और साइडों में मैंने ब्लैक किया है, और फ्रंट वाली साइड से हमने यहाँ पर येलो कलर किया, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और देखिए दोस्तों, आप लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाली लाइट को यूज़ कर सकते हो, राइट वाले से राइट वाली लाइट को यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो दोनों लाइट को एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक बार इसकी चार्जिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको शायद लाइट में नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको लाइट भी बंद करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, वो हल्का सा जो इंडिकेटर है वो अच्छे से ग्लो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो चार्जिंग है वो बड़े तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लाइट भी ऑफ कर दिया, और अब देखिए दोस्तों, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारी लाइट है उसके अंदर से जो रेड लाइट है वापस आ रही है। तो देखिए दोस्तों, सोलर पैनल को हम यहाँ पर चार्ज करके देखते हैं कि सोलर पैनल पर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सोलर पैनल भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और अब इसकी लाइट को टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सिंगल लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया है, और अब मैंने दोनों लाइट को यहाँ पर जगा दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रोशनी है। शायद आपको हो सकता है कि कैमरे में नज़र ना आए, तो देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा लाइट है कि कैमरा भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हर बार मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आता हूँ, नए टॉपिक के साथ और मज़ेदार वीडियो लेकर आता हूँ। तो इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।